हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एक धूल बराबर कितना कड़ी या वर्ग कड़ी होता है, इसके बारे में जानकारी हासिल करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, एक धूल क्या होती है ये समझते हैं। धूल क्या है दोस्तों? जमीन नापने की एक इकाई होती है, जिसको लोग आज भी गाँव के देहात के लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक। और कड़ी क्या है? लोहे की कड़ी होती है, जो यहाँ पर मैं आपको इमेज लगा दूँगा, फ़ोटो देख लीजिएगा कि इस लोहे की जंजीर होती है जिसमें कि जुड़ी हुई होती है इस तरीके से, जैसा कि कड़ी इस तरीके से जुड़ी हुई होती है, जो कि बहुत सारी कड़ियाँ होती है। तो उसी के बारे में जानकारी हासिल करने वाले हैं कि एक धूर में कितना कड़ी या फिर वर्ग कड़ी होता है। तो सबसे पहले दोस्तों, एक धूर क्या होता है? तो दोस्तों, एक धूर बराबर ये डिपेंड करता है लग्गी पर। तो हम यूपी को बता रहे हैं, तो यूपी में 5.5 हाथ की लग्गी होती है। क्या होती है? 5.5 हाथ की लग्गी होती है। लग्गी क्या है दोस्तों? लग्गी पर ही डिपेंड करता है। लग्गी 4 से लेकर 9 हाथ तक होती है। हर राज्य में अलग अलग होती है। तो हमारे यूपी के लगभग 5.5 हाथ की होती है, और एक हाथ की लंबाई लगभग माना जाता है, जो कि मीडियम में 1.5 फीट का माना जाता है। कितना? 1.5 फीट, जिसको बोलते हैं हम 18 इंच भी बोलते हैं। 1.5 फीट का होता है एक हाथ की लंबाई। तो इसको हम बदलेंगे फीट में, तो 5.5 × 1 हाथ बराबर 1.5 फीट होता है। तो 1.5 बराबर, आपको ये देखो, ये फीट में बदल रहा है। तो 15 × 5 = 75, 75 × 5 = 7, 15 × 5 = 72, 7 = 82। 2 2 दशमलव है, तो 2 × 2 दशमलव लग जाएगा। तो हमारा आंसर निकला, एक धूर बराबर 8.25 फीट होती है। हमें एक धूर की लंबाई पता चल गया कि 8.25 फीट होती है, ठीक। हमें पता क्या लगाना, कड़ी, कि एक धूर में कितना कड़ी होता है। तो दोस्तों, एक कड़ी बराबर क्या होता है? एक कड़ी बराबर 0.66 फीट होती है, ठीक। एक कड़ी में इतना फीट होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक फीट बराबर हम कितना लिख सकते हैं? एक फीट बराबर 1/0.66 कड़ी। जो सारा जो मामला है, एक फीट बराबर 0.66 बराबर इधर भेज दिया, तो हमने ये इस तरीके से हो गया। तो हमें एक फीट में पता लग गया कि इतना कड़ी होता है। तो हम इसी को बदल सकते हैं कैसे, देखिए। एक धूर बराबर 8.25 × 1 फीट। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जब गुणा करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा 8.25 × 1 फीट की जगह ये वाला कड़ी वाला रख देंगे, 1/0.66 कड़ी। दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो धूर था आपको कड़ी में कन्वर्ट होने लगा, ठीक। अब देखिए, 8.25 में 0.66 से जब भाग दिया जाएगा, तो मैंने मोबाइल में कैलकुलेटर में अपना ये हल किया है, तो इसका जो आंसर आया है 12.5 कड़ी आया है। तो आंसर निकल के हमारा क्या आया दोस्तों? एक धूर बराबर 12.5 कड़ी, ठीक। तो हमारा देखो, ये कड़ी हो गया, सिंपल सी कड़ी। अब बात करें वर्ग कड़ी कितना हो जाएगा। तो वर्ग मतलब किसी भी संख्या को द्वारा गुणा होता है। तो इसी को जब हम वर्ग करेंगे, तो 12.5 × 12.5 बराबर, जब इसका वर्ग किया जाएगा तो आ जाएगा 156.25 वर्ग कड़ी। एक धूर बराबर 12.5 × 12.5 बराबर 156.25 वर्ग कड़ी, इसका आ जाएगा एक धूर का वर्ग कड़ी में, ठीक। तो ये रहा आपके सामने कि एक धूर बराबर कितना कड़ी और वर्ग कड़ी होता है। तो आई होप दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में।